डॉक्टर। हाय, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो आज हम डॉक्टर साहब के साथ इसलिए बैठे हैं बिकॉज ये कम उनके पास टाइम होता है, आज हमें मुश्किल से पकड़ा है। तो डॉक्टर साहब इज करेंटली इंजीनियरिंग पंजाब हेल्थ ट्रस्ट फॉर डिसेबल्ड, इज ऑल्सो अ डायरेक्टर एट अपर। और अनीता, थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। Thank you for all this No, it's important. And you know, one of the reasons for doing this Facebook Live with him is that it's important to know the role of disability and how disabled people in Pakistan are not still in the entrepreneurial net. What can we do? Because he heads an organization and I've personally worked with him in that capacity, and I think that he knows a lot about it. So since you've been asking, and you know, I thought that can facilitate this conversation on where are the gaps. And so Dr. Saab, kya gaps hai market mein, kya ho raha hai aur kya nahi ho raha? Lekin sabse pehle to main is baat se shuru karta hu ki disability is a very recent phenomenon. The acceptability of the disability is a very recent phenomenon in our community. Aur dusri baat ye hai ki jab bhi lafz disability ka use kiya jata hai to ek onslaught of criticism hota hai ki ji why you are using this word disability, either you should use person with special need, children with special need. To wo actually shayad mujhe lagta hai ki hum sab min hasil home bhi aur locally bhi lafaz disability ko accept karne ke liye taiyar nahi hai, to uska ek nomenclature ko bhi change karna padega. Aur I was thinking ki agar hum person with disability, person with special needs, ठीक है जी, या disability, differently abled people की बात हम करें। जब आपके पास डाटा नहीं होगा तो आप किस तरह सारी सर्टन प्रोजेक्शंस बनाएंगे? फिर आपके पास डाटा नहीं है तो आपको प्रेवलेंस, इंसिडेंस रेट्स और एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स का भी इल्म नहीं होगा, ठीक है ना? तो साइंटिफिकली बहुत ही इनकरेक्ट होगा कि अगर हम डाटा के बगैर, डिसेबिलिटी के क्लासिफिकेशन के बगैर, नॉमनक्लेचर के बगैर हम अगर कोई चीज़ पिच करना चाहें। दूसरा ये है कि बियॉन्ड दिस सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला ये है कि सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटी का लिटरेसी रेट अगर देखा जाए तो इट इज इन केस ऑफ मॉडरेट इशू इट इज ओनली 2-3%। और सबसे पहला तो यह है कि उसकी एक्सेप्टेंस घर में है, फैमिली इसको एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है, सारा बर्डन जो है वो मदर पे आ गया। दूसरा ये है कि सबसे बड़ा दूसरा इशू होता है एक्सेसिबिलिटी। आप घर की दहलीज से बाहर ही नहीं आ सकते, गली में आते हैं तो गली में कोई ऐसी असिस्टेंस नहीं है जो आपको कम्यूट करने में हेल्प करे। जो आपको कम्यूट करने में मदद करती है वो है असिस्टेंट डिवाइसेस। तो ये ना असिस्टेंट डिवाइसेस भी बड़ा रिसर्च फिनोमेनन है आर सिस्टम। फिर एजुकेशन, क्योंकि ये लोग कहीं एक इकट्ठे जगह पे नहीं रह रहे होते, तो स्पेशल एजुकेशन के स्कूल्स बनाना तो अब बड़ा डिफिकल्ट है, इतने ज़्यादा स्कूल तो नहीं।
को एजुकेशन जो है डोरस्टेप के करीब मिलनी चाहिए, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी और असिस्टेड डिवाइसेस के इशू के बाद इनके लिए एजुकेशन का सिर्फ एक ही रोल बाकी रह जाता है कि ये घर के इंतहाई करीब किसी स्कूल में चले। ठीक है, स्कूल में जाते हैं तो टीचर को नहीं समझ आती कि इस बच्चे के साथ क्या करना, पीयर्स को नहीं समझ आती कि इसके साथ रिलेशनशिप क्या बिल्ड करना है। ठीक है, तो वो आउटकास्ट भी होता रहता है, वो रेडिक्यूल भी होता रहता है, वो ह्यूमिलिएट भी होता रहता है, और फिर वो स्कूल छोड़ जाता है। अब तो स्कूल जाता नहीं, अगर स्कूल जाते तो छोड़ जाता। अब इन सारी चीज़ों के बाद उसकी फ्रेल हेल्थ, डिसेबिलिटी, डिस्टेंस और डेस्टिट्यूट, ये तीनों एक दूसरे के साथ क्लबिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो अब गुर्बत भी है, मसाइल भी नहीं है, तालीम भी नहीं है, तो अब आपके पास सिर्फ एक स्कोप रह गया, तीन बच्चों को वाजिबी तालीम दें, उनमें से जो करना चाहे और कोप कर ले अपनी सिचुएशन से वो पढ़ता रहे, और बाकी लोगों को हम टेक्निकल स्किल्स दें, वोकेशनल स्किल्स दें, और उनकी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को ग्रो करें। वही आपकी रह गई ना, कि जब तक आपकी सोसाइटी में, कम्युनिटी में उसकी अवेयरनेस नहीं है, हाउ टू गो और डील विद सच पर्सन, हाउ डू यू गेट अहेड फ्रॉम देयर, लाइक ये तो सबसे बड़ी इस वक्त नीड ही है कि आपकी सोसाइटी में जिसमें मजाक उड़ाते हैं, वो देखो लंगड़ा जा रहा है, यू नो दे जस्ट मेक फन ऑफ रादर देन या ओवर सिंपथाइज करते हैं कि हाई वे जा रहा है, यू जस्ट ट्रीट देम लाइक नॉर्मल पीपल। मैं आपको सक्सेस स्टोरी की रसूबत की सुनूँ, पूरी दुनिया में मैंने सॉर्ट आउट किया कि माइक्रो लैंडिंग जो है वो कितनी परसेंटेज आपकी पर्सन को डिसेबिलिटी को दी जाती है, तो मुझे ग्लोबली मैंने देखा कि फ्यू डजन केसेस हैं मुख्तलिफ मुल्कों में जो रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि किसी ने माइक्रो फाइनेंस दिया उन्हें और उन्होंने उससे कारोबार किया और उससे कोई बेनिफिट, लेकिन वो सारे इंटरेस्ट बेस्ड हैं। ठीक है जी, वो उन्होंने उन इदारों ने स्पेशल प्रोडक्ट डिज़ाइन करने की कोशिश की वो लोगों ने, उन्होंने इंक्लूजन में भी एक एक्सक्लूजन क्राइटेरिया फिर भी मेंटेन, लेकिन इंटरेस्टिंग था कि लोग कम से कम दुनिया में सोच रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस इदारे सोच रहे हैं कि इनके साथ काम किया है। अच्छा, बिफोर गोइंग टू द एग्जाम्पल ऑफ अमोर, डाटा ये कहता है कि दुनिया में डिसेबिलिटी जो है वो 10% से 15% होगी इन लास्ट 20 years, ये WHO का डाटा है। ठीक है, पाकिस्तान में एक ही सर्वे WHO ने किया, वो अटक का था, जहाँ पे उन्होंने सिग्निफिकेंट सर्पलिंग करके ये चीज़ बताई हमें कि 15.5% डिसेबिलिटी है अटक। तो अगर हम इस सारी चीज़ को सिंगल आउट अभी भी 10% पे रखें तो इट इज़ ह्यूज सम ऑफ पॉपुलेशन, 20 million पीपल। फिर इंटरनेशनल स्टडी और डाटा कहता है कि इसमें वी कैन डिस्कस इट और इसको क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है, लेकिन जो डाटा कहता है कि पाकिस्तान इज लूजिंग $33 million पर डे एवरी डे ऑन द अकाउंट कि ये पर्सन विद डिसेबिलिटी काम नहीं करता। अगर ये 10 million भी हो, से $5 million भी हो, तो ह्यूज सम ऑफ मनी। ठीक है, अब इस इशू को हुकूमत ने टैकल किया, और पिछले हुकूमत का तीसरा बार और जो था वो पर्सन विद डिसेबिलिटी, हुकूमत ने नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी शुरू से रखी, और हुकूमत ने लास्ट 4 years में एक डाटा बिल्ड किया मॉडरेट स्वीयर पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कुछ काम करना चाहते हैं, अगर किसी की उंगली नहीं है या हार्ड ऑफ हियरिंग है और उसमें अलग है तो उसको डिसेबिलिटी में वो शामिल नहीं उस तरह किया गया, लेकिन 3,3200 लोगों को हुकूमत ने लोन दिया पिछले 4 साल टू इट जी कोई डिसेबिलिटी किसी ने किसी तरह की, और ये इट वॉज अराउंड 60 million जो हमें डिस्पर्स किया। ठीक है, लेकिन आप ये देखें हुकूमत की रिकवरी की रेशो है 99.94% जो आप डेट दे, इन 3200 के करीब जो पर्सन विद डिसेबिलिटी ने लोन लिया उसकी रिकवरी की शरह 100%, नॉट 99.98%, 100%। सो अमेजिंगली ये है कि अगर ये काम करे तो ये डिपेंडेबल है, ये क्रेडिट वर्दी है, ये ट्रस्ट वर्दी है,
ये बिजनेस वर्दी है. अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है. सो हमने पहले भी ये डिस्कशन की थी पंजाब वेलफेयर ट्रस्ट के फॉर में थे कि हम ICT के यूज़ कैसे. बहुत सारे इदारे हैं जो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के लिए वो प्रोडक्ट्स बना भी रहे हैं. ऐसा नहीं यार, आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि बहुत सारी एप्स भी बन रही है, असिस्टेंट डिवाइसेज भी बन रही हैं, लेकिन उनका क्या यूजेज है, वो कितनी हद तक यूजफुल होती है, नंबर वन. नंबर टू, हम ये जो टेक्नोलॉजी या इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं या जितने भी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं, वो कैसे एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं इन लोगों के लिए, या कैसे इस नेट में इन लोगों को ला सकते हैं, कि हाउ इज दैट पॉसिबल, बिकॉज ये गैप अभी तक एग्जिस्ट करता है. देखिए, मैं समझता हूँ कि दो ही प्रॉब्लम है मेजर. एक है एक्सेसिबिलिटी का, और एक्सेसिबिलिटी की वजह से कम्यूट करने का. दूसरा है असिस्टेंट डिवाइस का. इन दोनों का सलूशन एक ही है कि आप डोर स्टेप पे कोई फिनोमेना क्रिएट करें और उन लोगों को इक्विप करें किसी स्किल के हवाले से, जिसमें ये ठीक है कि वो जो टेक्निकल ट्रेनिंग है वो तो कंप्यूटर से ले लें, टेक्नोलॉजी के इंटरफेस से ले लें, लेकिन उसके बाद वो एक लैब में महीने में से 4 डेज के लिए आ जाएँ, थोड़ी देर के लिए आ जाएँ. तो इस सारी सिचुएशन में ये मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी इंटरफेस के ज़रिए इन लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करें. और मैं बताऊँ उसमें काम मुश्किल नहीं है. आप जब कहते हैं एक्सेसिबिलिटी, don't you think कि you being a doctor working with the government, आपकी कुछ से होगी, why can't we do this कि public spaces पे तो accessibility का concept आ जाना चाहिए ना, कि if a disabled person with wheelchair needs to access, उसके लिए कोई ramp हो, कुछ तो बनाए. नहीं, हमें हर जगह washroom spaces don't allow. हर जगह पर होता है ना. So अब ये concept आगे जाना चाहिए कि we should be thinking about this, क्योंकि हम तब तक उन बेचारों को घरों में confined रखेंगे कि जी हर चीज़ घर में ही कर लें, you know, या घर के पास कर लें. Spaces में तो सोचना चाहिए. मैं दो बातें कर रहा हूँ. एक तो ये है कि पब्लिक ऑफिसेज, स्कूल्स को रैंप्स वगैरह बनने शुरू हो गए हैं, नई बिल्डिंग्स में प्रोविजन भी रखने शुरू हो गए हैं. ठीक है, इस मामला को थोड़ा सा आगे लेके जाने की शदीद जरूरत है, नंबर वन. नंबर टू ये है कि इससे उनकी एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव होगी उस बिल्डिंग के रेफरेंस से, कम्यूट करने के रेफरेंस से नहीं होगी. गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये इनिशिएटिव लिया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक्सेसिबल बनाया जाए फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, और उन्होंने कुछ इस तरह के बसेज और सारे कुछ रूट्स डिफाइन किए हैं, और वो बसेज ऑन रोड भी आ गई हैं भुगतान भी. और बहुत लेकिन बात यह है कि अभी ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं, ये डिवेल्प करते हुए नेक्स्ट 20 ईयर्स में ये सारी चीज़ें डिवेल्प कर रही है. इस वक्त जो यूथ है, अगर हम पाकिस्तान में पर्सन विद डिसेबिलिटी का कुछ भी डाटा ले लें, तो इसमें से 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो तो बिटवीन द एज ऑफ 5 and 25 ईयर, क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटी की एवरेज एज भी कम है बाकी लोगों से. तो सोल्यूशन एक ही है. सोल्यूशन ये है, नंबर वन, कि इस तरह के एप्लीकेशंस बनाए जाएँ जो उनको कन्फाइनमेंट घर में बैठ के एक चीज़ लर्न करने का मौका देते. ठीक है, और फिर ये है कि उनको एक सेंट्रल प्लेस पे इकट्ठा करके वो डेमोज दी जाए. ठीक है, दूसरा तरीका ये है, जैसे आप कह रहे हैं अभी तक कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है कि कितने एक घर में कितने डिसेबल हैं या नहीं है. उससे आपको डाटा भी मिल जाएगा, उसकी क्लासिफिकेशन भी मिल जाएगी, उसको सेग्रीगेशन भी करना आसान होगा, और आपको पता होगा कि डिसेबिलिटी बर्डन क्या है सोसाइटी का. ठीक है, और उसके मुताबिक आप अपने आप को रीअरेंज करेंगे, रीडिकेट करेंगे. देखिए, अमेरिका में 80% जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑन जॉब है,
पाकिस्तान में 1% है, ठीक है। रीज़न ये है कि वो कम्पीट करके आते हैं और वो किसी जगह पे कोई कंसेशन नहीं ले रहे हैं। हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज पर कभी कॉम्प्रोमाइज है, इसके लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि हम इसको इवॉल्व करें नेक्स्ट 20 ईयर्स, ठीक है। और फिर वही बात है कि आपके पास इस वक्त जो इमीडिएट नीड है वो डोज का कवरेज है। अगर सेंसस में हमारे पास डाटा आ जाता है तो ये एक बड़े फॉर्चुनेट बात होती है। उसी बात इस पर भी अपना नया PMT स्कोर कार्ड है वो लेके आना चाह रहा है, उसमें भी वो उनसे ये रिक्वेस्ट की गई है और बार बार रिक्वेस्ट की गई कि आप डिसेबिलिटी का डाटा आपके पास तो मौजूद है जिसको मुख्य पंजाब ने खिदमत कार्ड के लिए भी इस्तेमाल किया है और पंजाब स्पेशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने उसको बड़ा एफिशेंटली यूज़ किया। तो PSPA का जो रोल है वो बड़ा पिविटल रोल है इन डेवलपिंग सच थिंग्स, ठीक है। तो मेरा ख्याल ये है कि हम जिस चीज़ पे हमें एक प्रोडक्ट डेवलप करनी चाहिए, हमें मॉडल डेवलप करना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करनी चाहिए और लो फाइनेंशियल कॉस्ट मॉडल डेवलप करने चाहिए। अगर आप एक्सपेंसिव मॉडल्स एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे 1 to 2 million की तो ये एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। और मैं आपको ये भी अर्ज करूँ पर्सन विद डिसेबिलिटी के जहन में बड़े नोवल आइडियाज हैं, हम अगर उनको डिवेलप और ग्रूम करने में उनकी मदद करें तो हमारे पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी कुछ एरियाज ऐसे डिवेलप हो सकते हैं, कुछ इनोवेशन आ सकती है, न्यूनेस आ सकती है, क्वालिटी भी इम्प्रूव हो सकती है। और उन्होंने तो कहीं जाना नहीं है, वो बैठ के अपने इंटरेस्ट से अपना काम कर सकते हैं। तो so they can really think what we are not thinking. Yes, so I've met one of the best, most inspiring people at that office, by the way, which is why the scorecard idea, and I hope it works out at PISP, was something that came up. But you know, things slow down when government policies and regulations don't exist. So doctor, ye batai na ki ab the role of PWGD, it is one of those organizations 120 NGOs हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, उसमें से 110 एक्टिव हैं, 10 इनएक्टिव हैं। राइट। तो अब जो रोल ऑफ PWTD है, वो उनको किस तरह इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग किस हवाले से करते हैं और कैसे उसमें टेक्नोलॉजी के यूज से उसको और कैसे एम्पावर किया जा सकता है? सारे दस तो मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि ये कुछ नए हमने इनिशिएटिव दिए, कुछ नए पायलट प्रोजेक्ट किए, खासतौर पर कन्फाइनमेंट में ये जो बच्चे घर में हैं उनके लिए, या इंडिपेंडेंट लिविंग के हवाले से भी हमने भी छोटा एक दो छोटे प्रोजेक्ट किए। लेकिन सना से हमारी जब बात हुई तो हमने ये कहा कि इनके लिए इंक्यूबेशन सेंटर बनाने चाहिए। अब इंक्यूबेशन सेंटर किस तरह हम डेवलप कर सकते हैं, या अगला हमारा जो माइलस्टोन होना चाहिए या जो होगा जिस पर हमने काम भी किया, वो ये है कि हम अपनी पार्टनर एनजीओ को अब एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग के तौर पर इंट्रोड्यूस करें। और इस साल बजट में हम मेरी ख्वाहिश होगी कि हम कुछ पैसे रखें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और हम कम से कम फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर और पिंडी में इन चार जगह पे इंक्यूबेशन सेंटर बनाएं। लेकिन उसमें हमें सोसाइटी की सपोर्ट चाहिए होगी, एंटरप्रेन्योर्स की सपोर्ट चाहिए होगी, उसमें हमें इंक्यूबेशन सेंटर बनाने और चलाने वाले लोगों की मदद की जरूरत है। मुझे एक इतना अच्छा ही आइडिया लगता है, जैसे लंदन में आप लोगों ने ये किया, स्पेशली जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, अगर से फॉर एग्जांपल को ऑफिसेज मूव हो गए हैं, मतलब बिल्डिंग्स बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, वो फ्री स्पेस देते हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए, क्रिएट अ हब और इंक्यूबेशन सेंटर, यहाँ पे यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग। सो वो फ्री स्पेसेस आपकी भी कितनी पब्लिक स्पेसेस ऐसी होंगी जो इतने बड़े बड़े जगह खाली रहती हैं, तो आई कांट जस्ट यूटिलाइज के आसपास के मोहल्ले में भी कोई ऐसी जगह हो, इट वुड बी एक्सेसिबल एज वेल। मेरा ये ख्याल है कि जो हमारी पार्टनर एनजीओस हैं, खासतौर पे जो कुछ पार्टनर एनजीओस हैं जिनके पास स्पेस ज़्यादा है, हमें पायलट वहाँ से शुरू करना है। जब हम उससे शुरू कर लेंगे और गवर्नमेंट को ये पता होगा कि एक सक्सेस स्टोरी क्रिएट हो रही है, तो इट विल गो ए लॉन्ग वे और चीज़ों
को अंडरस्टैंड करने और उनको करेक्टिव नेस के लिए. मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस बजट में डेफिनेटली एक स्लॉट डन करेंगे इंक्यूबेशन के. That's great to hear. अच्छा डॉक्टर साहब, एक आपने जो WHO के साल हमने प्रोग्राम रोल आउट किया था उसके उसके हवाले से भी थोड़ा सा बता दें. और दूसरा ये कि क्योंकि इस्लामाबाद में हमने काफ़ी काम किया और फिर आप बहुत एक्टिव भी हैं, तो जो डेवलपमेंट सेक्टर इस्लामाबाद में है और जो लाहौर में है उसका जो डिसकनेक्ट है उसको भी प्लीज़ थोड़ा हाईलाइट कर दें, बिकॉज नोबडी रियली टॉक्स अबाउट इट. सो देखें, WHO के साथ हमने मिलके साउथ पंजाब के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में वुमेन विद डिसेबिलिटी, जो मोस्ट मार्जिनलाइज्ड, मोस्ट डेस्टिट्यूट, मोस्ट पॉवर्टी स्टिकन, मोस्ट एक्सक्लूडेड सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी थी, उसके साथ हमने काम किया और हमने तकरीबन कोई 320 के करीब वुमेन विद डिसेबिलिटी को दो दो दिन के 2 डेज के ओरिएंटेशन सेशन दिए, जिसमें हमने उनको बेसिक्स और मैनी थिंग्स पढ़ाई, जिसमें बिजनेस भी था, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप भी थी, उसमें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी थे, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का बहुत बड़ा इशू है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा इशू है. अभी तो हम अपने बेसिक इशू से ही बाहर नहीं निकल पा रहे, तो उससे ये हुआ कि वो अमेजिंग रिजल्ट ये थे कि वो सारी खुवातें चाहती थी कि हम कारोबार करेंगे, हम अपने काम खुद करेंगे, हम अपने आप को सोशल इकोनॉमिकली एम्पावर्ड देखना चाहती हैं, वी डोंट वांट टू बैक, वी डोंट वांट टू डिपेंड ऑन अदर्स. तो एक बहुत बड़ी सक्सेस थी ये. और WHO ने विद कोलैबोरेशन ऑफ PWPD इसको बहुत बेहतर तरीके से पिच की. अब दूसरा जो इशू मुझे ये नज़र आता है कि इस्लामाबाद और दूसरे शहरों का डिस्कनेक्ट ये है कि ऐसी NGOs जिनके इस्लामाबाद में ऑफिस हैं वो तो बहुत करीब हैं डोनर एजेंसी से, ऑन दी ग्राउंड वो रोज़ भी मिल सकते हैं, वो हर रोज़ विजिट भी कर सकते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स भी बता सकते हैं, वो अपनी पिच भी बता सकते हैं, वो आइडिया शेयर भी कर सकते हैं, न्यू इंफॉर्मेशन भी इनके पास आ रही होती है, उनको ये भी पता होता है कि कहाँ कहाँ ग्रांट्स आ रही हैं और किस किस लेवल की आ रही हैं, वो तो वहीं पे सारी चीज़ें कंज्यूम हो रही होती हैं. तो जब आप लाहौर, कराची, मुल्तान, सियालकोट, पिंडी, पिशावर पहुँचते हैं, क्वेटा, तो पीछे कुछ भी नहीं बचा. ठीक है जी. दूसरी बात ये है कि जब आप इस शहरों से भी छोटे शहरों में चले जाते तो फिर क्या हो, वहाँ पर तो अभी कुछ भी नहीं. तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एक इंटरफेस डेवलप किया जाए इस्लामाबाद में जो बाकी इदारों को आपस में कनेक्ट करे. डॉक्टर साहब, कुछ इदारे ऑलरेडी हैं आपके ख्याल में, मैं जान के नहीं पूछ रही, कॉन्ट्रोवर्सी नहीं क्रिएट कर रही, बट उनका अभी तक का क्या रोल रहा है, बिकॉज वो बहुत क्लेम करते हैं ग्लोबल डिसेबिलिटी का. हैज देयर बीन अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ द काइंड ऑफ वर्क दे हैव डन, या सिर्फ एक ड्राइंग रूम रिपोर्ट्स? देखिए, बात यह है कि मैं और एक और बात करना चाह रहा हूँ. डिसेबिलिटी नाउ इज द ड्रीम ऑफ कंज्यूमर मार्केट, बिकॉज एजिंग बढ़ रही है, लोगों के वसाइल कुछ बेहतर हो रहे हैं, डिसेबिलिटी बढ़ रही है. ठीक है जी. तो अगर आप लार्जेस्ट माइनॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड देखें तो वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है. अगर WHO के क्लेम पे जा रहे हैं तो 15% का मतलब ये है कि 1 अरब से ज़्यादा लोग इसे कर रहे हैं. अगर ना भी किया जाए तो ये 10% भी किया जाए तो ये 70-72 करोड़ लोग तो हैं ही हैं, 720 बिलियन कितना इतना बनता नहीं. तो मसला ये है कि ये इतनी बड़ी मार्केट है और कंज्यूमर मार्केट अब इसको टैप करेगी. ठीक है जी. इसी तरह NGO जो कल तक मदर चाइल्ड हेल्प पे काम करने की कोशिश कर रही थी, सैनिटेशन, क्लीन वाटर, लाभ लाभ का, अब उनका इंटरेस्ट हो गया डिसेबिलिटी की तरफ. तो जो मुझे आगे आने वाला वक्त लगता है उसमें मुझे यही लगता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के नाम पे जो है एक और बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा और सारी डोनर एजेंसीज जो हैं वो इस तरफ भागेंगी, क्योंकि उनको इस तरफ
पिच किया जाएगा, फंडिंग इस तरफ पिच हो जाएगी, क्योंकि जो इंटरनेशनली ब्रेन्स काम कर रहे होंगे वो इस वक्त सबसे बड़ा काम ये कर रहे होंगे कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को किस तरह आपने टैग करना है और एसोसिएट करना है विद द बेनिफिट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, उस बहस में मैं नहीं जा रहा। लेकिन इसको हम मैं इसको एज ए पॉइंट ऑफ कमर्शलाइजेशन देखना देख रहा हूँ, ठीक है जी, कि एनजीओ का रिफ्लेक्शन जो है वो वेरी पॉजिटिव शायद ना हो सके। बेहतर, सबसे बेहतर ये है कि इस वक्त एक कम्युनिटी बेस इंक्लूसिव ऑल इंक्लूसिव रिहैबिलिटेटिव कम इमर्जिंग मॉडल डिजाइन करना पड़ेगा, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स एक दूसरे को फोन करें और बेहतर तरीके से आगे लेकर चले। उसका एक ही तरीका है, पर्सन विद डिसेबिलिटी को ग्रो किया जाए, डिवेलप किया जाए। थर्ड वर्ल्ड में अभी उनको बहुत हाई प्रोफाइल पढ़ाई की तरफ ना लेके जाया जाए, उनको तालीम दी जाए, उनकी स्किल बेस्ड इन्वेंटरी क्रिएट की जाए, उनको एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग्स दी जाए और उनको माइक्रो लर्निंग करके अपने अपने डोर स्टेप पे एक प्रोफेशनल जॉब पे वो जिसके खुद मालिक हों उस पर लगाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो इसका भी हमने पहले जिक्र किया था, जो असेंबली प्रोडक्ट असेंबली लाइन होती है उसके अंदर हम किस हद तक यू नो पर्सन विद डिसेबिलिटी को यूज कर सकते हैं, कोई इसकी केस स्टडी है जो आपके पास से आपको मिलेगा? एक्चुअली केस स्टडी छोटी छोटी तो कई हैं, खासतौर पर इंडिया में आपको इस तरह की बहुत सारी केस स्टडीज मिल जाएंगी, ठीक है जी, क्योंकि बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। पाकिस्तान में एक्चुअली इंडस्ट्री इज अंडर हैवी यू कैन से बर्डन ऑन डिफरेंट अकाउंट्स, तो आप देखिए दुनिया में स्वीप तो चाइना ही कर रहा है ना, चाइना ही उठा के ले जाता है चीज़ों को सारे, ठीक है, तो आपकी सप्ली लाइन शायद इतनी ज़्यादा अफेक्टेड ना हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट मे बी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप सोलर पैनल्स की बात कर सकते हैं, सोलर लैंप्स की बात कर सकते हैं, फिर आप वन स्केल वन विलेज और इस तरह की कोई प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो उसमें तो कुछ इम्कान बनता है कि वो आपस में अपनी जॉब असाइनमेंट को इस तरह डिवाइड कर लेंगे कि असेंबली लाइन बन जाए और वो खुद ही अपने आप को स्ट्रेंथन कर लें। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरफेस डिवेल्प करें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो दैट विल बी द मोस्ट वर्डेबल थिंग। और वो इंटरफेस आपके ख्याल में घर बैठ के लोगों को फैसिलिटेट करें, वो उनकी डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर काम करें, वो उनको एजुकेशन दें, उनको स्किल दें, कोशिश करें कि उनको ऐसी नौकरियाँ दी जाए, ऐसा काम दिया जाए जो घर बैठ के किया जा सके, कम अज़ कम उन लोगों को जो कर सकते हैं। देखिए हाँ, बहुत सारा काम कर सकते हैं, मसलन आप देखें इस वक्त हर गली हर मोहल्ले में मोबाइल की ज़रूरत होती है, ठीक है, और मोबाइल रिपेयरिंग एक बड़ा काम है, ठीक है, पिछले दिनों तक अभी तक भी UPS एक बहुत बड़ा काम है, स्विंग सिलाई करना, कढ़ाई करना, दबके का काम करना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, छोटे छोटे ब्यूटी पार्लर हेयर कटिंग सैलून जो हैं आप गली मोहल्लों में छोटे छोटे गाँव तक ये बात पहुँच गई है, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया जहाँ पे काम किया जा सकता है, जहाँ पे उन्हें लर्न करवाया जा सकता है। फिर शूज बनाना है, फिर आप देख लें कि खूबसूरत बटन बनाना है, कैंडल मेकिंग है, ये तस्वीर बनाना है, इस तरह के बेशुमार छोटे बड़े काम ऐसे हैं जो डिस्टेंट लर्निंग में उनको सिखाए जा सकते हैं, उनको एनरोल किया जाए, उनको सिखाया जाए, फिर उनको साथ ही सीड मनी दे दी जाए जैसे वो अपना कारोबार शुरू करें, और फिर इन प्रोडक्ट को मार्केट के साथ लिंक करना, वो एक चैनल हमें डेवलप करना पड़ेगा ताकि इनकी प्रोडक्ट जो है मार्केट तक पहुंचे और मिनिमम बेनिफिट मिडलमैन ले और मैक्सिमम बेनिफिट। अच्छा अच्छा, लास्ट थिंग डॉक्टर साहब, कहाँ पे सपोर्ट चाहिए, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से, फंड से, गवर्नमेंट से, आपके ख्याल में अब जो वे फॉरवर्ड है उसमें आपको किस तरह के लोगों की इंगेजमेंट? मेरा ये ख्याल है जी कि हमें सर्टन
सॉफ्टवेयर पे सर्टन एप्लीकेशंस पे काम करना होगा. हमें अभी तो पहले टेक्नोलॉजी इंटरफेस डेवलप करना पड़ेगा और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम हमारे क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम कौन कौन से एरिया में जा रहे हैं. हमने एक और प्रोग्राम किया उस्ताद शागिर्द मॉडल, जिसमें हमने पर्सन विद डिसेबिलिटी को किसी एक प्रोफेशन के लिए उसके घर के करीब ही किसी उस्ताद से जोड़ दिया, ठीक है जी. और उस तरह उन्होंने एक सैनर्जी क्रिएट की और उसने भी वो काम सीख लिया और अपने घर बैठ के या अपने घर के बाहर बैठ के करना शुरू कर दिया. इसी तरह के हमें मॉडल्स बनाने पड़ेंगे ITC बेस्ड, कि टेक्नोलॉजी इंटरफेस जो है वो एक सेंटर लोकेशन में और वो कोई ना कोई उनको काम सिखा रहा है, ठीक है जी. उसके लिए जो वेब एप्लीकेशन, जो आपकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैं, वो सारी चीज़ें बनाने पड़ेंगे. मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हमें ITU के साथ और दीगर इस तरह के इदारों के साथ फिर बैठना पड़ेगा और उनके साथ काम करना पड़ेगा. दूसरा, हमें इस तरह के बिजनेस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो आसानी से इम्प्लांट किए जा सकते हों, किए जा सकते हों, डेवलप किए जा सकते हों और प्रोडक्टिव हों और सेल किए जा सकते हों. कोई ऐसी चीज़ ना बना दें जो सेल ना की जा सकती हो. तो बहुत सारा काम ऐसा है जो टेक्नोलॉजी इंटरफेस के जरिए. Anything else that you want to ask? No, I think this is enough. Thank you, Doctor. आप और कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कम्युनिटी को अंडरस्टैंड करना चाहिए.